Good morning, my dear students. Welcome to our maths class. We are doing chapter 1, the fish tail. Today we are on page number 11. तो हमने ये देख लिया कि किस तरह से फिशेस को कैच करते हैं फिशरमैन और कितने डिस्टेंस को कवर करने के लिए, किस तरह की बोट में जाने के लिए कितना टाइम लगता है और उसके वाइस वर्सा भी हमने ट्राई कर लिया है। आज हम सैर करेंगे फिश मार्केट की। कभी फिश मार्केट गए हो आप? जिस तरह से अगर कोई गया होगा तो उसे ऑब्वियसली बात है कि पता होगा। अदरवाइज जैसे हम वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, वहां शोर हो रहा होता है कि आलू ले लो, भिंडी ले लो, इस तरह से अपने भाव बताते रहते हैं वो। इसी तरह से फिश मार्केट में भी फिशेज का रेट बताते रहते हैं सेलर्स और उनको बेचने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक मार्केट का सीन है। मिनी बेच रही है सर्डाइंस, ये फिशेज के नाम है, कुछ स्पेशल फिशेज के नाम है जो ईट करता होगा उन्हें तो अच्छे से पता होगा। सर्डाइंस एट ₹40 पर केजी मिनी बेच रही है। सर्डाइन फिश है और ₹40 पर केजी। देन ग्रेसी नेवर सो चीप गेट्स फॉर फिश ₹4.60 अ केजी। वो भी आवाज लगा रही है अपने तरीके से कि इससे सस्ती कहीं नहीं मिलेगी, स्वॉर्ड फिश ₹4.60 पर केजी। देन फ्लोरमा है जो कि क्या बेच रही है, प्राउंस बेच रही है ₹4.150 पर केजी और वो भी इसी तरह से सेल कर रही है इसको। करुथमा सेल्स स्क्वेड ₹4.50 पर केजी। पर केजी मीन्स एक केजी का रेट ये है। ओके, अब वो फिश कितनी भी हो सकती है, कितने भी केजी की। ठीक है, फिर फजिला दिस फिश वेज 8 केजी। अपनी फिश को दिखाती है और वो भारी से इतनी मुश्किल से उठा के लेके आई है उसको। वो कह रही है कि इस फिश का वेट कितना है, 8 केजी। आई विल सेल द होल फॉर ₹1200। और वो कह रही है कि मैं पूरी फिश को, 8 केजी वाली फिश को कितने रुपीज में सेल करूंगी, 1200 की दूंगी। फिर अब है प्रैक्टिस टाइम। सो अब फर्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजिला सेल द किंग फिश। पर केजी, ये 8 केजी का रेट है। उसने कहा है 8 केजी की फिश है। कोई भी बड़ा, जैसे हम ले लेते हैं वाटरमेलन, बड़ा सा होता है ना, तो वाटरमेलन हमने मान लिया कि 5 केजी का है और हमें शॉपकीपर कह देता है ये पूरा कंप्लीट ₹100 का है। और हमें अगर एक ही केजी चाहिए, वैसे वाटरमेलन को काट के नहीं देते हैं, तो अगर हमें एक ही केजी का चाहिए तो क्या करेंगे, उसके 1 केजी का रेट देंगे ना ₹100, तो वो पूरे वाटरमेलन का ले रहा है, लेकिन हमें तो एक ही केजी चाहिए तो उसका प्राइस निकालेंगे। इसी तरह से एट व्हाट प्राइस ये भी पूछ रहा है कि फजीला 1 केजी किंग फिश का कितना पैसा लेगी, कितने रुपए में बेचेगी। तो कॉस्ट ऑफ 8 केजी गिवन है हमें, कितना है ₹1200। देन वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 केजी। 8 केजी का गिवन है, 1 केजी का निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस तो आप कर चुके हो, है ना, वर्कशीट 1 में भी आए थे जो 9th क्वेश्चन था। तो इसी तरह से क्या करेंगे, जब 8 केजी ज्यादा का दे रखा हो, 1 का निकालना हो, तो डिवाइड कर देंगे 1200 डिवाइड बाय 8। तो इसको डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करें, डिवाइड रफ में भी कर सकते हो, रफ वर्क में भी डिवाइड करना वैसे मेरे को कराना नहीं चाहिए ना, आपको खुद आना चाहिए। 8 1 8 4 0, ये 0 नीचे आएगी ना, 5 40, देन अगेन दिस 0 और 0, तो एक 0 यहां आ जाएगी। तो हमें ये एक सिंबल भी लगाना जरूरी है, ये रुपीस को हटा मत दिया करो। जब 8 केजी ₹1200 ले रहा है तो 1 केजी के लिए भी तो रुपीज ही लेगा ना, तो रुपीज कितना आएगा, 150। ठीक है, तो इस तरह से
फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम. एंड नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. आवर सेकंड क्वेश्चन इज फ्लोरमा हैज सोल्ड 10 kg प्राउन टुडे. फ्लोरमा है ना, इसने कितने केजी बेचा है प्राउन? प्राउन फिश जो है वो बेच रही है, वो 10 kg बेचा है. हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट? तो उसे टोटल पूरा कितना मनी मिलेगा? सोचो कैसे कर सकते हैं. अब देखो आपको कंसेप्ट पता चल रहे हैं ना कि हम मैथ्स को कहाँ यूज करते हैं, वरना वैसे ही सम्स करते रहते हैं. इस तरह से हर एक डेली लाइफ की डिस्कशन के साथ पता चल रहा है कि कहाँ हम यूज करते हैं उसका. अब फ्लोरमा को कितना बेचना है? 10 kg. तो वो पहले से सोचना चाहती है कि 10 kg हमने अगर मैंने पूरा बेच दिया तो मुझे कितना पैसा मिलेगा. अगर मैं पूरा 10 kg सेल कर देती हूँ तो कितना मनी मिलेगा मुझे? ये कितने केजी का है? 1 kg का. तो हम मैं इस साइड सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आप ऐसे मत किया करो, इस क्वेश्चन के नीचे सॉल्व किया करो. मेरे पास स्पेस कम है, बोर्ड कम है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन साथ लिख लेती हूँ. लेकिन आप भी इसी साइड मत किया करो, इस क्वेश्चन को यहाँ लिख के इसके नीचे नोटबुक में करते रहो जैसे नोटबुक में करते हो. ठीक है, पहले ये पार्ट लिख लो इसका फर्स्ट, फिर इसका सॉल्यूशन, देन थर्ड क्वेश्चन लिखो और इसका सॉल्यूशन. गो टू द सॉल्यूशन. कॉस्ट ऑफ कितने का दे रखा है हमें? 1 kg प्राउन लिख सकते हो. प्राउन कितना है? रुपीज 150. और बेच कितने का, बेचना कितना है उसे? कॉस्ट ऑफ कितना सेल करना है? 10 kg प्राउन. 10 kg प्राउन, 1 kg का गिवन है, 10 kg प्राउन का निकालना है. तो ये तो आप इजीली कर सकते हो, रुपीज 150 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, यू विल फाइंड योर सॉल्यूशन इन रुपीज. डोंट फॉरगेट टू राइट हियर रुपीज. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करनी है. नेक्स्ट इज ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश. ग्रेसी कितने स्वॉर्ड फिश बेचती है? 6 kg. ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग है. मिनी हैज अर्न्ड एज मच मनी एज ग्रेसी. और मिनी को भी उतने ही पैसे मिलते हैं, मतलब उतनी ही कमाई करती है जितना ग्रेसी करती है. ठीक है, तो हम ग्रेसी का निकाल सकते हैं कि कितनी कमाई की है उसने? 6 kg स्वॉर्ड फिश. तो हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि ग्रेसी कितना कमाती है. क्वेश्चन क्या है? ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश. कितना बेचती है? 6 kg फिश बेचती है, स्वॉर्ड फिश. और मिनी हैज अर्न्ड एज मच एज ग्रेसी. और मिनी कितना पैसा कमाती है? जितना ग्रेसी कमाती है. ठीक है, तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि ग्रेसी कितना कमाती है. चलो पहले यही पता कर लेते हैं. 1 kg कॉस्ट ऑफ 1 kg स्वॉर्ड. 1 kg स्वॉर्ड फिश की कॉस्ट कितनी है? 60. कितनी है? रुपीज 60. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कितना बेचती है वो? 6 kg. कॉस्ट ऑफ 6 kg स्वॉर्ड फिश इक्वल टू, निकाल सकते हो आप, 1 kg का गिवन है, 6 kg का निकालना है, रुपीज 60 × 6. देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट 360 रुपीज. नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइन. तो ग्रेसी कितना कमाती है? ग्रेसी अर्न्स इज इक्वल टू मिनी अर्न्स. जितना मिनी कितना कमाती है? जितना ग्रेसी कमाती है. यानी उसकी दोनों की अर्निंग कितनी हो गई अब? 360 रुपीज. नाउ हाउ मेनी केजी ऑफ सार्डिन फिश डिड मिनी सेल? तो इतने रुपए टोटल कमाती है वो. अब हमें बताना है कि लेकिन ये तो मिनी तो क्या बेच रही है? सार्डिन फिश बेच रही है ना. और ये कॉस्ट किसकी थी? स्वॉर्ड फिश की.
हमसे पूछा है कि मिनी फिर कितनी सार्डिन फिश बेचेगी अगर वो मैं मनी इतना ही कमाती है, ठीक है, पैसा इतना ही कमाती है जितना ग्रेसी ने कमाया है, लेकिन ये बताना है कि कितने केजी सार्डिन फिश बेची है उसने, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, 1 केजी 40 रुपीज लगते हैं इन रुपीज 40 रुपीज में कितने केजी सार्डिन फिश आती है, 1 केजी, ओके। 1 रुपीज में कितनी आएगी, 40 की दे रखी है, 1 रुपीज की निकाले तो, 1 रुपी की निकाले तो कितनी आएगी, 1/40। ऐसे ही करते हैं ना, ज्यादा का दे रखा हो, 1 का निकालना हो तो डिवाइड बाय 40 केजी, इतने केजी आएगी, ठीक है। फिर ये है सार्डिन फिश का रेट निकालना है, कितना पैसा कमाया उसने, रुपीज 360, मतलब हमें कितने का निकालना पड़ेगा, 360 में कितना केजी आएगा, 1/40 मल्टीप्लाई बाय 1 का गिवन है, 360 का निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं अब सॉल्व करके दिखा रही हूं, यहां ऊपर जहां हमारा 360 आ गया था, आप इसके नीचे ही करते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी केजी में आएगा, 1/40 × 360 kg, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 360 × 1 कितना आएगा, 360/40, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो 36 को, कितना आएगा डिवाइड करने पे, आप बता सकते हो आसानी से, जितना आएगा लिखते ना यहाँ, ओके। सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व दिस 3 सम्स एट पेज नंबर 11 टुडे, देन टुमारो वी विल गो टू द 4th क्वेश्चन, बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग टुडे बिकॉज इट इज लेंथी, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।